कल्याणी चलो किधर? अरे सवार हो जाओ ना। अरे तुम मेंटल मेंटल हो गया? मैं बस पे बैठ कैसे जाऊंगी? और कोई रास्ता भी नहीं है कल्याणी, जो बस छूटी वो माई के घर जाने वाली आखिरी बस थी, अभी इसमें बैठ जाओ वरना 15-20 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। हाँ 15-20 किलोमीटर? अरे पर ये सब करने की क्या जरूरत है, मैं अभी कैब बुक कर देती हूँ ना। कैब? इसको तुमने पूना समझ रखा है, जो तुम फोन पे कैब बुक करोगी और वो 5 मिनट दिखा के 5 मिनट में आ जाएगी। इसी पे जाना पड़ेगा, चलो जल्दी से बैठ जाओ। मैं भैंस पे बैठ के कैसे जा सकती हूँ यार? ओए शपथ, नहीं बैठना भैंस के ऊपर तो ठीक है, 15-20 किलोमीटर आराम से चलते हैं और सुबह तक तो पहुँच ही जाएंगे। मतलब पूरी रात? नहीं नहीं नहीं, भैंस से ही चली जाऊंगी। और तुम डोंट टेल मी हम दोनों बेचारी भैंस पर बैठकर जाएंगे। अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ पैदल चल के आऊंगा, ठीक है? तुम चढ़ो। नहीं 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 काका, ये सींग में तो नहीं मारेगी ना? अरे नहीं मारेगी, नहीं मारेगी। तुम्हारे नखरे देखकर अगर सटक गई तो मार भी सकती है। चुप रहो। अरे भाऊ बस वाला, देखो मारना नहीं, प्लीज गिराना नहीं यार, मारना जाओ कल्याणी, जाओ जाओ। जरूर मेरा पेट खराब करने के पीछे भी उसी का हाथ था, तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। जब गड्ढे में कूद ही चुकी हूँ तो जरा से कीचड़ से क्या घबरा। हमारे घर वालों के सामने तुम्हारा असली चेहरा ढालने से मुझे कोई नहीं रोक सकता रुपया। पूजा की सारी तैयारी हो गई? हाँ। मल्हार कहाँ है? वो अभी ड्यूटी से निकल चुके हैं, बस आते ही होंगे। हाँ यहीं रुको। हाँ ₹55 हुआ। अरे मैडम ये क्या कर दिया, पूरा सीट खराब कर दिया। आ जाते हैं जाने कहां कहां से, साफ करना पड़ेगा। मैं साफ करूं? अरे ये क्या कर रही हो, अरे मेरा रिक्शा बर्बाद हो गया। अरे मैडम लो साफ कर दिया, मुंह खोलने से पहले जरा देख लिया कर कि किससे बात कर रही हूँ। अगली बार जब मिलो तो अपना ये सुर और ये आंखें नीची होने चाहिए। और हाँ अंदर आके अपने सीट के पैसे ले लो। कुछ साल पहले ससुराल वाले ने वापस भेज दिया लेकिन अकड़ नहीं गई इसकी। अरे अकड़ तो दिखाएगी ना, हाउस आपकी बेटी है, अब आ गई है तो पता नहीं क्या क्या टांडव करेगी। ओ शंभू काका, मेरी आंखें और मेरे कान हमेशा खुले रहते हैं, जरा मुंह कम और हाथ ज्यादा चढ़ाया करो, समझे? लगो काम पे। आए आई? मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आ पाओगी। अरे ऐसे कैसे नहीं आती, जैसे ही पता चला कि मैं नानी बनने वाली हूँ मैंने दूल्हे के हाथ 101 रुपए थमाया और भागी भागी चली आई। कैसा है तू? बिल्कुल ठीक। खुश रहो। एकदम टाइम पे आई हो, जा बस। जी बाबा।
माई कैसे सत्यनारायण की पूजा में बैठ सकती? पर आई, माई क्यों नहीं बैठ सकती? अपर्णा, जवाब दो। तुम्हारी बेटी तुमसे कुछ पूछ रही है, जवाब दो। अनुप्रिया क्यों नहीं बैठ सकती पूजा में? वो साहब, मैंने सोचा कि सत्यनारायण की पूजा में सिर्फ शादीशुदा जोड़े ही बैठते हैं ना, तो माई का बैठना ठीक नहीं होगा। सुबह 5 बजे उठकर पूजा की सारी तैयारी की है अनुप्रिया ने। घर के सारे लोगों के लिए खाना बना रही है अनुप्रिया, वरना घर के बाकी लोगों के लिए तो कहाँ गेहूं कहाँ घुन, इसी को कुछ पता नहीं। पूजा के लिए अगर कोल्हू की बैल की तरह मेहनत करती है ये, तो इसे पूजा में बैठने का अधिकार नहीं। किसी और पर उंगली उठाने से पहले अपनी घर गृहस्थी पर एक बार नजर डालनी चाहिए। आओ साहब, रहने दीजिए ना। ताई अगर कह रही है तो पूर्ण विराम। बस खाली पंडित जी, पूजा शुरू करें। अवश्य। अब ये पूजा संपन्न हो गई। आप ये गंगा जल सबसे पहले घर के द्वार पर, फिर लड़की पर और फिर सारे घर के अंदर छिड़क दीजिए। कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? अरे अरे अरे, अरे पागल हो गई क्या? अरे देखो तो, देखो ये लड़की कौन है? अरे देवा, ये लड़की यहां कैसे आ गई? परमेश्वरा, आयशा पर ये लड़की यहां तक कैसे पहुंची?
मेरी मम्मा बहुत बीमार है। मैंने ना नेट पर पढ़ा है कि शैंपेन ऐसी हालत में काढ़े का काम करता है। यही है ना? ये आप क्या कर रही हैं? इसकी आई की तबीयत खराब है। सॉरी सॉरी, झूठ बोलना पड़ा। तुम वही लड़की हो ना जिसने हमें बेवकूफ बनाकर शराब खरीदने के लिए मजबूर किया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? थैंक यू आंटी। अरे वाह, आप भी यही रहती हैं। कितनी अच्छी बात है ना आंटी। अब जी सॉरी। आओ साहेब, आओ साहेब। ये घर हमारा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आओ साहेब, मुझे ये रास्ते मिली थी, यहाँ का पता पूछ रही थी। माई आपसे मिलना चाहती है। अनुप्रिया, कौन है ये लड़की? तुम कैसे जानती हो इसे? एक्चुअली आउट साहब, ये ना मेरे मॉम डैड को काफी अच्छे से जानती है, काफी करीब से। है ना? और तो और वो क्या है ना, पूर्ण विराम, अनुप्रिया, आओ साहेब ने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। हाँ हाँ बोलो ना। अरे अपने घर वालों से नहीं मिलाओगी क्या मुझे? जवाब क्यों नहीं देती कि कौन है ये लड़की? इतने सालों में कोई मेहमान तो तुमसे मिलने नहीं आया, और अब आया भी तो इसने मेरी बेटी की पूजा खराब कर दी। I'm so sorry, मैं आज आप सभी से पहली बार मिल रही हूँ और मैंने इतनी बड़ी परेशानी क्रिएट कर दी। और साहब, वो शैंपेन वाली बात को मेरी नादानी समझ के भूल जाइए ना। प्लीज I'm sorry, पर सच में मैं वो शैंपेन अपने मम्मी पापा के लिए ही लेके गई थी। उनकी एनिवर्सरी थी ना उस दिन, मुझे वो दिन सबसे ज्यादा यादगार बनाना था। और सच में वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन के रह गया। अनुप्रिया, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। आओ साहब, वो एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे पापा को पूर्ण विराम। इस घर में जवाब तभी दिया जाता है जब पूछा जाए। हाँ? एक सेकंड, पर ऐसा क्यों? ये कोई मिलिट्री कैंप है क्या कि यहाँ पे कमांडर जो ऑर्डर देगा सबको वही मानने पड़ेंगे? कमांडर बोलो, कमांडर चुप। सुना नहीं तुमने आओ साहब ने क्या कहा? उनका शब्द ही पूर्ण विराम होता है, समझी? अरे आई बाबा ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई क्या? अरे वाह, और घर आए मेहमान पर रोब झाड़ना
ये बदतमीजी नहीं है क्या? हमारे ही घर में आके हमारे साथ? अपर्णा, निर्लज्ज मुलगी। आई शायद उसको पता नहीं था घड़े में गंगा जल रखा था, इसने जानबूझ के थोड़ी किया होगा। माई आप ही कुछ बोलिए ना। आप साहब, दरअसल इसकी माँ गुजर चुकी है। जानते हैं। आओ साहब, सॉरी आपने बीच में बोलने से मना किया, लेकिन शायद ये हम दोनों के रिश्ते के बारे में आपको बता नहीं पा रही है। रिश्ता? तुम दोनों में कौन सा रिश्ता? वो ये कहना चाह रही है मेरा और इसकी माँ का रिश्ता। हाँ हाँ, काफी गहरा रिश्ता था ना आपका और मेरी माँ का। तुम कैसे जानती हो इसके आई को? तुमने कभी हमें बताया नहीं। अनुप्रिया जवाब दो, कौन है इसके आई? बोलो अनुप्रिया। अब मैं आपको फोटो दिखाऊं अपनी माँ के? बहुत सुंदर थी वो, एक देखना। मधुरी के सारे फोटोज कहाँ चले गए? सारे फोटोज कैसे डिलीट हो गए? अरे ये सब क्या चल रहा है इस लड़की का? आप सर, मुझे लगता है इसके आई के गुजर जाने की वजह से ये बहुत परेशान है। मैं इसे आउट हाउस ले जाती हूँ, फिर पूछती हूँ ये यहाँ क्यों आई है। इसे कैसे डिलीट हो सकते हैं? कहाँ चले गए फोटोज? फोटोज ये फोटो नहीं। चल सर, चल अंदर चल, पहले अंदर चल। कल्याणी, कल्याणी तुम ये यहाँ क्यों आए हो? हाँ कल्याणी, मधुरी का एक भी फोटो नहीं बचा, कोई बैकअप भी नहीं है मेरे पास। पहले तो मुझे ये बता, तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मतलब वो हॉस्टल वालों ने तुम्हें जाने कैसे दिया? हाँ, माधुरी की आखिरी निशानी थी वो फोटोज। इतने सालों से यादें जमा करके रखी थी मैंने, अब मैं माधुरी का चेहरा नहीं देख पाऊंगी। कल्याणी तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रही हूँ? कहाँ गए मेरी माधुरी के फोटोज? हड़ू, मुझे कैसे पता होगा? तुम पहले मुझे ये बताओ या कैसे? तुम्हें क्या लगा मुझे हॉस्टल में डालकर मुझसे पीछा छुड़ा लोगी तुम? मैंने अपनी माँ को खोया है, जिंदा रहने के मकसद को खोया है मैंने। जो तुम खोने वाली हो ये सिर्फ उसकी शुरुआत है।